हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है, या तो गुलाब जामुन फट जाते हैं या फिर चाशनी ही अंदर तक नहीं जाती। सभी प्रॉब्लम्स का हल मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मिल्क पाउडर का मावा। तो इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हाफ कप दूध। ध्यान रहे अभी गैस को ऑन ना करें। 1/4 कप डाल देंगे इसमें देसी घी, साथ ही हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर और 1.5 कप मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी से क्या होता है ना, जो मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनते हैं उस पर काफ़ी अच्छा कलर आता है इससे, तो चीनी इसमें ज़रूर ऐड करें। और अब हम मिल्क पाउडर को दूध में अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। ध्यान रहे अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है, तो गैस को पहले ऑन ना करें, पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया इसे मिक्स, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है तो वो जब हम गैस ऑन करेंगे और जब इसे पकाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अब हम करेंगे गैस को ऑन। ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे पकाए। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए और एक डो की फॉर्म में इकट्ठा ना हो जाए। तो चलाते रहे इस तरह से लगातार, बिल्कुल भी इसे छोड़े ना, क्योंकि मिल्क पाउडर से हम बना रहे हैं। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और बिल्कुल अच्छा हमारे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़े, लगातार इसे चलाते रहे। और ये देखिए मुझे चलाते हुए इसे 2 मिनट हुए और 2 मिनट में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से थिक हो चुका है और पैन छोड़ना इसने कर दिया स्टार्ट। अभी ये मावा थोड़ा सा आपको चिपचिपा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है गुलाब जामुन के लिए। इससे ज़्यादा इसे ना पकाए। अगर आपने इसे ज़्यादा पकाया तो क्या हो गया ना, जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो ये इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इससे ज़्यादा इसे ना पकाए। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे होने देंगे ठंडा। जब तक हमारा मावा थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम बना लेते हैं गुलाब जामुन की चाशनी। तो इसके लिए लेंगे कढ़ाई या फिर पैन और इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। गुलाब जामुन के लिए चाशनी जब भी हम बनाते हैं तो जितना हम चीनी लेते हैं उतना ही हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो 1.5 कप इसमें चीनी डालें और 1.5 कप इसमें पानी डालें। गैस को कर लेंगे ऑन और अब हम चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। चीनी अच्छी तरह से हो चुकी है मेल्ट, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे केसर के धागे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें गुलाब जल, क्योंकि हम बना रहे हैं गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन में गुलाब जल काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे चलाते हुए पकाएंगे। गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए, चाशनी हमारी 1 तार की या 2 तार की बिल्कुल ना हो, हल्की सी चाशनी होनी चाहिए, चिपचिपी। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि चाशनी को हम कर लेते हैं गाढ़ा और वो चाशनी अंदर तक जाती ही नहीं है। तो ध्यान रखिए चाशनी होनी चाहिए हल्की सी चिपचिपी। 1 मिनट चाशनी को उबालने के बाद आप इस तरह से एक बार चेक कर ले, तो ये देख रहे हैं आप उंगली के बीच में 1 तार या 2 तार इसमें बिल्कुल नहीं बन रहा, ये सिर्फ चिपचिपी है। तो इसी तरह की चाशनी हमें बना के करनी है तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस और अच्छी तरह से कर देंगे इसे मिक्स। ये हमारी गुलाब जामुन के लिए चाशनी बन के हो गई तैयार। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे। मिल्क पाउडर का जो हमने मावा बनाया था वो थोड़ा सा हो चुका है ठंडा और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे इसमें बेकिंग पाउडर डालें, बेकिंग सोडा ना डालें। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। बेकिंग पाउडर को एक्टिव करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। और अब हम अच्छी तरह से कर लेंगे इसे मिक्स। अभी ये मावा आपको थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है गुलाब जामुन के लिए। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैदा डालने के बाद अब हम इसे जिस तरह से हम रोटी के लिए डो बनाते हैं तो उसी तरह से रगड़ते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपका डो चिपचिपा है तो आप उसमें थोड़ी सी मैदा डालें और अच्छी तरह से इसे रगड़ लें। या फिर आपको लग रहा है कि ड्राई हो चुका है तो आप इसमें पानी के छींटे मारें और बिल्कुल चिकना इसका डो बना के करें तैयार। और ये देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल इसका चिकना और बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के कर लिया तैयार। और अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए बॉल्स। तो इस तरह से छोटा सा पार्ट लेंगे डो का और हाथों की हथेली से रगड़ते हुए इसकी बिल्कुल चिकनी बॉल बना के करेंगे तैयार। बॉल्स बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े से भी क्रैक्स हुए तो फ्राई करते समय गुलाब जामुन फट जाते हैं, तो यही कारण होता है कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं।
और इस तरह से आप देख रहे हो बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आए, तो इसी तरह की आप बोल बना के करें तैयार। और इस तरह से जो बाकी की बोल्स है उसे भी हम बना लेंगे। और इस तरह से आप देख रहे हो हाथों से रगड़ते हुए मैं अच्छी से इसकी चिकनी बोल बना के कर रही हूँ तैयार। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बोल बन के तैयार हुई है। बोल्स बनाने के बाद अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। और फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही कर लिया था गर्म। ध्यान रहे ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए जब मैं इसमें बॉल्स डाल रही हूँ, तो आप देख रहे हो बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, तो इतना ही ऑयल को गर्म रखें, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और इस तरह से इसमें डाल देंगे सारी बॉल्स। फ्राई करते समय एक बात का ध्यान और रखें, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर एंड तक हमें इसे फ्राई करना है, तो बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन बना रहे हैं तो एक बार में बॉल इसमें बिल्कुल ना डालें, पहले एक फ्राई करके देखें, बाद में ही आप इसमें सारी बॉल्स डालें। बॉल्स डालने के बाद एक बात का और ध्यान रखें, इस तरह से चम्मच की हेल्प से ऑयल को हिलाते रहें, इससे क्या होगा ना तली में गुलाब जामुन लगेगी नहीं और परफेक्ट इस पर कलर आएगा। गुलाब जामुन का परफेक्ट कलर आने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, तो 10 से 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। इस तरह से ऑयल को मैं लगातार चलाती रहूँगी चम्मच की हेल्प से जब तक इस पर बिल्कुल परफेक्ट कलर ना आ जाए। और ये लीजिए मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए कर लिया फ्राई। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इस पर कलर आ गया है, बिल्कुल भी फटे नहीं है गुलाब जामुन। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और निकाल के डाल देंगे चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाशनी में डालते समय एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप चाशनी में डालें तो चाशनी आपकी हल्की सी होनी चाहिए गर्म। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो आप उसे हल्का सा कर लें गर्म, और गर्म करने के बाद ही इसमें गुलाब जामुन डालें। आधे घंटे के लिए गुलाब जामुन को छोड़ देंगे चाशनी में। और ये लीजिए आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हुए, काफ़ी स्पंजी है और अंदर तक चाशनी भरी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये लीजिए हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन बनके हो गए तैयार। देखते ही आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे पूछे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।